कोरोना वायरस से उपजे संकट के हालात में बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार ने मदद का हाथ बढ़ाया है। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं आपात स्थिति राहत कोष के ऐलान के तुरंत बाद अभिनेता अक्षय कुमार ने 25 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। अक्षय के इस फैसले से सभी उनकी तारीफ कर रहे हैं। वहीं अक्षय के इस कदम पर उनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना ने भी अपना रिएक्शन दिया है। ट्विंकल ने ट्वीट कर लिखा, ये इंसान मुझे कितना गर्व महसूस करवाता है। मैंने अक्षय कुमार से पूछा था कि क्या वह सच में इतनी बड़ी रकम देंगे, लेकिन अक्षय ने मुझसे कहा कि मेरे पास पहले कुछ नहीं था, आज जब मेरे पास है तो मैं पीछे नहीं हट सकता। मैं उनकी मदद करना चाहता हूं जिनके पास कुछ नहीं है। इसके बाद कई सेलेब्स देश की मदद करने के लिए आगे आए हैं। वरुण धवन के बाद सिंगर गुरु रंधावा ने भी 20 लाख रुपए देने की घोषणा की। वहीं देश के जाने माने उद्योगपति रतन टाटा ने 500 करोड़ रुपए सहायता देने की घोषणा की है। हर बार मैं आपसे दिल की बात प्यार से बोलता हूं, पर आज कसम से इतनी खुंदक आ रही है ना कि कुछ गलत शब्द अगर मुंह से निकल जाए तो मुझे माफ करो। पर दिमाग हिल गया कर कुछ लोगों का है, क्या हो गया लोग, किसको लॉकडाउन का मतलब समझ नहीं आ रहा। लॉकडाउन का मतलब होता है घर पर रहो, घर के भीतर रहो, परिवार के साथ रहो, सड़क पे तफरी करने के लिए निकल ना जाओ। बड़े बहादुर बन रहे हो आप लोग बाहर जाके, ये सब धरी की धरी रह जाएगी, ये सब आपकी बहादुरी सब इधर ही रह जाएगी। खुद भी अस्पताल जाओगे और अपने परिवार वालों को भी साथ ले जाओगे, माँ बहन बाप बीवी सब के सब पहुंच जाएंगे, कोई नहीं बचेगा अगर ध्यान नहीं रखोगे। यार अकल का इस्तेमाल करो, हाथ जोड़ के कह रहा हूं। मैं फिल्मों में स्टंट करता हूँ, गाड़ियां उड़ाता हूँ, हेलीकॉप्टर से लटकता हूँ, बहुत कुछ करता हूँ, पर सच में कह रहा हूँ जान सूखी हुई है, मजाक नहीं है। इस टाइम ये बीमारी के सामने सबकी हालत बुरी है, पूरी दुनिया की हालत बुरी है। अपने परिवार के हीरो बन सकते हो तुम लोग, जिंदगी के खिलाड़ी बनो, सिर्फ घर पे रहो, बस घर पे रहो, बस सिर्फ घर पे रहो। जब तक सरकार कह रही है घर पे रहो, इससे आपकी जान बची रहेगी, आपके परिवार की जान बची रहेगी। कोरोना के खिलाफ जंग छिड़ चुकी है, हमें इसे हराना है, इस डिजीज को हराना है, कोई चॉइस नहीं हमारे पास। बाकी अगर कोई लड़ाई होती, कोई जंग होता तो मैं आप लोगों से कहता चलो उठो वीरों सैनिकों लड़ो, लेकिन ये जंग, इसके लिए मैं आप लोगों को कहूंगा हाथ धो के सिर्फ घर पे बैठे रहो, बस बैठे रहो, चुपचाप अंदर ही रहो। जब तक सरकार नहीं कहती है बाहर मत आओ, मैं फिर आऊंगा आप लोगों से पूछने की कि आप लोग खिलाड़ी बने हो या बेवकूफ बने हो। घर पे रहो, धन्यवाद।